नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नशा इंसान से कुछ भी करवा सकता है और ये नशा अगर स्मैक हो तो ये और भी खतरनाक हो जाता है, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए, समाज के लिए। और ऐसा ही एक मामला सामने आया हरियाणा से, जहां एक महिला ने एक ऐसा काम किया कि पूरे समाज को शर्मसार कर दे। एक महिला ने नशे के लिए वो काम कर दिया जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। जी हाँ, सिर्फ नशे के लिए उस महिला ने एक लड़की को बेच दिया। जी हाँ, हरियाणा के यमुनानगर में स्मैक के नशे की लत पूरी करने के लिए जब एक महिला के पास पैसे कम पड़ने लगे तो उसने ऐसा काम शुरू कर दिया जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। महिला पर आरोप है कि इसने 13 साल की छोटी बच्ची को डरा धमका कर हवस के भूखे भेड़ियों को बेचना शुरू कर दिया। इस काम में उसका साथ उसका एक सहयोगी भी देता था, जो 200 रुपए में अपना कमरा इस घिनौने काम के लिए किराए पर देने को काम करती थी। न जाने कितनी बार हैवानों ने इस मासूम बच्ची की आबरों की कीमत लगाकर इसके जिस्म का सौदा किया। आलम यह है कि जो खुद अब भी बच्ची है वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। महज 13 साल की उम्र में ये बच्ची 6 महीने की गर्भवती हो गई। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब बच्ची के माँ बाप दर्द होने पर उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे और डॉक्टरों को जांच के दौरान उसके गर्भवती होने की बात पता चली। इसके बाद तो सभी के होश उड़ गए। वहीं चाइल्ड लाइन इंचार्ज डॉक्टर अंजू वाजपेयी के मुताबिक बच्ची ने बयान दिया है कि रीटा और प्रिया नामक दो महिलाएं ड्रग की आदी है। उन्होंने इसके साथ गलत काम करवाया जिससे बच्ची 6 महीने के गर्भ से है और बहुत डरी और सहमी हुई है। चाइल्डलाइन को शक है कि इस जैसी ना जाने और कितनी बच्चियां होंगी जिनके माँ बाप प्रतिदिन मजदूरी या किसी दूसरे काम से घर से बाहर जाते होंगे और उनकी बच्चियां घर में अकेली होने की वजह से ऐसी औरतों की रैकेट का शिकार बन रही हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि लड़की नशे का सामान यूपी से मंगवाती थी। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।